तो हेलो गाइस, आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आज है हमारा विलेज का दूसरा दिन, और मैंने सोचा कि रात हो गई है तो पहले मैंने देखा कि विलेजर्स घर पे हैं कि नहीं, और जब मैं गया तो विलेजर सो रहा था। और उसके बाद मैं बाहर आया और मैंने अपने घर गया और यहाँ पे भी सो रहा था, उठ। फिर मैं सो चुका था, सुबह उठ चुका हूँ और अब मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं जो मैं आज करने वाला हूँ। एक दो विलेजर्स के घर बनाए हैं, अब मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा घर बनाऊँ जिसमें ज़्यादा विलेजर्स रह सके, तो भी उसी को बना रहे हैं। तो आप देखिए कैसे बनता है ये घर। पहले मैंने सोचा दो छोटे छोटे बना लूँ, फिर मेरे दिमाग में नहीं, एक ही बनाते हैं पर थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिसमें ज़्यादा बेड्स लग सके और ज़्यादा विलेजर आ सके। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक दफ़ा मेरा पूरा विलेज अच्छे से बन जाए फिर मैं सर्वाइवर मोड कर दूंगा, और फिर अपने अपने दोस्तों वगैरह का जो भी आएगा तो उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो फिर मैं आपको इसका कोड बता दूंगा और फिर आप आ सकेंगे इस माइनक्राफ्ट की सीरीज़ पे। मैंने बेड ऐसे रखे, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने डिफरेंट तरीके से किया ताकि थोड़ी जगह पे ज़्यादा बेड आ सके। तो जब ये बना रहे हैं और फिर मैंने सोचा जो कमरे में थोड़ी चेस्ट रख लेते हैं और कुछ लाइट्स लगा लेते हैं, पर लाइट्स लग ही नहीं रही थी तो फिर मैंने सोचा कि बुक्स रख देते हैं। लाइट्स तो लगी नहीं तो मैंने सोचा कि इनके छत पे ही लाइट्स लगवा देते हैं, तो ये लाइट लगा देंगे जिससे रात पर बहुत रोशनी रहेगी यहाँ पे। और मैं किसी का भी रूफ को कवर नहीं कर रहा ताकि मुझे अच्छा लग रहा है कि ऊपर से भी रोशनी आएगी सन की जो भी होगी मून की। मैंने सोचा घोड़े की राइड ले लूँ पर ये लेने नहीं हुई, और अब मुझे ये मेरा जो घर है ना बहुत सोना लग रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ पे विलेजर्स ले आते हैं। मैंने बहुत सारे विलेजर्स यहाँ पे स्पॉन करवा दिए हैं। अब मुझे ये सामने वाली जगह भी बहुत सोनी सोनी लग रही थी, मैंने सोचा कुछ प्लांट्स ट्री वगैरह लगा देते हैं। तो मैंने ये लगाया पता नहीं, और ये दूसरे लग ही नहीं रहे थे, फिर मैंने दिमाग यूज़ किया और कुछ ट्रीज लगवा दिए यहाँ पे। अब अगली गेम में देखेंगे कि ये ट्रीज बड़े हुए हैं कि नहीं हुए। मैंने सोचा मेरा विलेज थोड़ा सूना सूना लग रहा है तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाते हैं, तो अब मैं बस वही बनाने वाला हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ से रास्ता बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि रोशनी थोड़ी रखूँ। तो चलिए बनाते हैं लाइब्रेरी। तो मेरे दिमाग में जो स्टाइल आ रहा है, डिज़ाइन आ रहा है, मैं उसी तरह बना रहा हूँ, और मुझे ये बहुत अच्छी भी लग रही है। तो मैंने जैसे देखे ये एनिमल्स के एग्स, तो मैंने सोचा कि अब एनिमल्स लाने का वक्त भी आ चुका है। तो अब मैं सुबह उठ चुका हूँ और अब मैं तैयार करने वाला हूँ छोटा सा एनिमल्स के लिए, छोटी सी जगह बनाएंगे। तो भी बनाना शुरू करते हैं एनिमल्स के लिए जगह।
बना लिया। मैं सोच रहा हूँ इसमें पार्टीशन कर लेते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पे रखे जा सकें। तो मैंने 5 खाने बनाए क्योंकि मुझे 5 एग्स लाया था, तो सब अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पे कैट्स हैं और यहाँ पे बियर रख लेते हैं, और यहाँ पे रखेंगे चिकन मींस के क्या कहते हैं, हाँ, और यहाँ पे रखेंगे हम लोग काउ, एंड यहाँ पे हम रखेंगे शीप। तो हमने रख लिया है, तो अब हम बस थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। और ये बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। ये बात ऐसे बंद तो नहीं करना, तो हमें यहाँ पे लगाने होंगे छोटे से गेट्स। तो जल्दी से लगाते हैं गेट्स और फिर देखते हैं कैसा लग रहा है। इसके बाद मैं बुक शॉप पे भी गेट लगाऊंगा, ऐसे बिल्कुल ओपन रखी हुई है तो थोड़ा बुरा लग रहा था, तो उसके आगे भी यही लगा दूंगा मैं। सोचा कि थोड़ी लाइटिंग भी कर देते हैं, तो मैं वो लाइटिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, ताकि यहाँ पे रोशनी रहे और ज़ोंबी स्पॉन ना हो। अब आप वीडियो देखिए, मैं जा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, वीडियो फुल देख के जाइएगा।